हेलो दोस्तों, मैं घनश्याम दास कुशवाहा स्वागत करता हूं आपको आपके अपने प्री चैनल नेचर फ्रीडम में। आज आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं, यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क की तरफ आगे जा रहे हैं किनारे, जो भी नेचर से रिलेटेड सामने मिल जाते हैं आपको सामने प्रस्तुत कर देते हैं। की तरफ जा रहे हैं, चारों तरफ हरा प्यारा पेड़ पौधे, पानी, और ये बरसात पीछे बाढ़ में पानी आ गया था, काफ़ी अच्छा है। और बेर में देखिए फूल लगे हुए हैं, काफ़ी अच्छे फूल, बेर कुछ दिनों में तैयार हो जाएंगे, खुशबू भी आती है इन बेर की, पुष्प जो लगे हैं सिर्फ काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। बस पहुँचने वाले हैं, अभी मैं आ रहा हूँ तो आगे कुछ लोग कंधे पे कस्सी फावड़ा रख के जा रहे थे जमुना की तरफ, देखते हैं क्या है। सोच रहा हूँ इन्हीं के बारे में पूछे कहाँ जा रहे हैं, तो उनसे बात करते हैं, तो अभी आपको इनके बारे में दिखाएंगे। ये देखिए आगे वो निकल चुके हैं, तो मेरे मित्र गुप्ता जी काफी अच्छे इंसान, क्या पुष्प है। पर आए थे इनसे बात करते हैं, इनसे क्या कहाँ जा रहे हैं। इनका फोटो बढ़िया आ गया। उधर भी देखा करो, उधर बहुत बढ़िया आपका टाइप वगैरह बढ़िया है, तो काफी आप काफी अच्छा लगा, लोग मेहनत करके जाते हैं वहाँ पे। बस सुबह कितना 9 बजे से स्टार्ट हो जाती ड्यूटी आपकी? अच्छा, घंटे के हिसाब से लेते हो, ठीक है। तो वहाँ काफी कुछ पालक सब कुछ लगा हुआ है। नदी अभी आपकी देखते हैं नाव कहाँ है, नदी से पार करके नाव नाव आती है, आपको देखते हैं कहाँ है नाव है कहाँ आपकी। ये देखिए नाव खड़ी है, फिर नाव उन्होंने साइड में लगा रखी है यहाँ पे। जा सकता है
अच्छा है, डॉग का हो सकता है, चीता का तो नहीं हो सकता। चीता तो है नहीं, चीता क्या है, ये देखिए निकलते रहते हैं चले काम जाने की। हम इधर तो जाते हैं, क्या काफ़ी जंगल था, काफ़ी झाड़ियाँ हैं, लेकिन ये इसलिए चले जाते हैं, चले देखते हैं। यहाँ पे देखिए पैरों के भैंस गाय, ये देखिए, ये देखिए, ये निशान पड़े हैं, इसलिए लगता है कि जानवर जाते रहते हैं। और कोई दिक्कत नहीं, जंगली जानवरों का खतरा नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारी देखते रहते हैं जंगलों से, लेकिन ऐसी कभी कभी होता है बारिश के बाद। क्या है ये आपको दिखा रहे हैं, काफी अच्छा हो गया है पहाड़ जो क्या है, लेकिन काफी अच्छा लगता है। झुमटों में से सूर्य झांकता हुआ क्या है, नेचर का अपना ही है। पंडित जी क्या कहेंगे इस बारे में, इसके बारे में ये देखिए। सारी चीजें जितनी भी सारी चीजें कहते हैं कि जैसे निकलते रहो जंगलों में, खुले एरिया में जहाँ एकांत हो, नदी का किनारा हो, कई ऐसी चीज़ें सामने दिख जाती हैं कि उसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव पॉजिटिव विचार आते रहते हैं। जैसा आप बात करें, देखिए आप उससे बात करा तो इतने में ये देखिए नारियल दिखिए, ठीक है, जैसा देख रहे हैं ये नारियल काफ़ी फायदेमंद होता है। लेकिन हमारे समाज में काफ़ी धार्मिक मानता भी है, काफ़ी लोग नारियल हर धार्मिक कार्य में उपयोग किया जाता है। लेकिन और महसूस होता है किसी के आप पीजिएगा, किसी के धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहे हैं। ये देखिए इसमें साबुत नारियल है और ये नुकसान हो जाएगा, यहाँ पे जम भी नहीं सकता कि इसमें दोबारा पौधा यहाँ पर तैयार हो जाए। हमारा यहाँ का एटमॉस्फेयर यही होता है, ज़्यादा नारियल खान पर जाओ तो कहता केरला वहाँ पर होता है, इधर तैयार भी नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे नदी किनारे काफ़ी ऐसे ऐसे बहुत नारियल ऐसे पड़े हुए हैं, नुकसान हो रहे हैं। देखिए हमारे कभी लोगों को तरस जाते हैं, कभी किसी एरिया में जाओ लोग गरीब बच्चे हैं, उनको नहीं मिल पाता खाने के लिए, नहीं मिल पाता नुकसान हो रहा है। अपनी अपनी भावनाएं, काफी मात्रा में काफी जम चुकी है, फिर भी मिट्टी में क्या कर सकते हैं, सरसों भी हो सकती है। हमारे अमित जी तो ये देखो पक्षियों को आते हैं काफी, ये इन्होंने एक अपना अमित जी बता रहे थे कौन सा चैनल आपने स्टार्ट किया, भगवत सेवा ट्रस्ट है, भगवत सेवा ट्रस्ट उन्होंने स्टार्ट किया है, और इनका इनकी मंजूरी होगी तो अपना इनका चैनल अपने चैनल में कोलैबोरेट जरूर कर लेंगे।
रखा है सारा, और काफ़ी पक्षियों को दिखाते हैं। और भाई साहब का नाम भूल गया मैं, संदीप जी लगे हुए हैं। तो ये देखिए, चैनल का नाम क्या बताया आपने? अच्छा, भगवत सेवा ट्रस्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, काफी अच्छा चैनल है, आप चैनल को भी जरूर लाइक कीजिए। लेंगे इसको, बहुत अच्छा लगा कि नुकसान होने से बढ़िया है इसको, नारियल है इतना कीमती है और स्वास्थ्यवर्धक होता है, इसको यूज कर लेंगे, इससे नुकसान होने से फायदा क्या है। इसकी श्रद्धा जैसी भावना उन्होंने तो अपना डाल दिया, लेकिन इसका असली सदुपयोग ये कर रहे हैं। तो अब अच्छा कर रहे हैं भाई साहब। आपका नाम क्या है? शंभू जी। बस असली शंभू जी शंकर भगवान यहाँ बैठे हुए हैं अपने असली इतने नारियल निकाली आपने, काफ़ी इकट्ठा कर दिया। देखो बहुत अच्छा लगा कि अभी नुकसान हो रहा था, आपने इसका यूज सही से उपयोग कर रहे हैं आप। यहाँ नदी में खराब हो जाता सड़ जाता है, इसलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। आप इसको क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, खाने के काम आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। पानी नारियल भी होगा। चलो ये तो बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने इसको यूज कर लिया, बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़ देख के। कितनी देर में पहुंच जाओगे? ये देखिए जुगाड़ की नाव, और इस जुगाड़ की नाव से जैसा अभी बता रहे थे, इनको जा रहे हैं उस पार सब्जी के खेतों में। अरे तुम्हें लाठी बड़ी लेनी थी, इनका खेत देखिए, इनका है अंकल का, आप जी का सुनना
नवाब जी का खेत है, वहाँ पे क्या क्या उगा रखे हैं? कितना ज्यादा आप देखिए, नीचे इन्होंने ये रखते हुए और जा रहे हैं। अरे अभी क्या क्या उगा दिया आपने वहाँ पे? अच्छा, मतलब तो एक डेढ़ महीने में अब काफी तो पानी के बहाव में चले गए। ठीक है, आज की वीडियो इतनी ही, बस थैंक यू, धन्यवाद। चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो तक। वापसी घर की तरफ, देखिए बगुले सफेद सफेद बगुले, काफी मनमोहक दृश्य है। पानी में मछलियों की खोज में ये बगुले आ रहे हैं। तो आपको बस आज की वीडियो इतना ही, आपको यहीं पे छोड़े जाते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।